नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, एमएस ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, इन सभी एप्लीकेशंस पे पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, यानी कि इनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों एमएस ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, इन सभी पे पासवर्ड सेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, उसको अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद लेफ्ट टॉप में फाइल का ऑप्शन है, आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ ओपन के नीचे आपको इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो के पेज पे सबसे ऊपर ही देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ ये जो लोगो दिया है, आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोटेक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इस पे क्लिक करके आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इस पे क्लिक करके आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तीसरा है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पे क्लिक करके आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट जिसको भी भेज रहे हैं वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या एडिटिंग कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सारा कंट्रोल आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस का, तो इस पे क्लिक करके आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे एडिट, कॉपी, कट या फिर प्रिंट का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करना है। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ये छोटा सा विंडो ओपन होगा, इसके अंदर आपको अपने पासवर्ड को डालना है जो आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे सेट करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड केस सेंसिटिव और स्ट्रॉन्ग डालना है, ताकि आपके पासवर्ड को कोई भी आसानी से उसको तोड़ ना पाए। क्योंकि एमएस ऑफिस के जितने पुराने वर्जन आते थे 2003 या फिर 2007, उसमें पासवर्ड आसानी से ब्रेक हो जाता था, लेकिन उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ फिर से डालना है और ओके पे क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड सेट हो गया, लेकिन आपको यहाँ सेव पे क्लिक जरूर करना है इसको क्लोज करने से पहले। तो हमने पासवर्ड सेट करके सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद देखिए मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पे पहले मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड डालूंगा तभी ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए पासवर्ड डाला, ये वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुल गया। अब ये तो हो गया कि पासवर्ड कैसे डालेंगे, लेकिन आपने पासवर्ड डाल दिया, इन फ्यूचर कभी आप उस पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे ये भी आप जान लो। तो पासवर्ड रिमूव करने के लिए फिर से आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, इन्फो पे क्लिक करना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, वापस आपको यहाँ एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो भी पासवर्ड दिख रहा है आपको डॉट डॉट, उसको पूरा यहाँ से रिमूव करना है आपको। ओके पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। हमेशा दोस्तों कोई भी मॉडिफिकेशन करने के बाद से सेव पे जरूर क्लिक करना है, तभी वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए मैंने पासवर्ड रिमूव कर दिया था, अब यहाँ पे ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे पासवर्ड को सेट करेंगे और रिमूव करेंगे। अगर यही काम आपको एक्सेल में करना है तो सेम चीज यहाँ पे, चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि अगर एक्सेल में करना है तो यहाँ पे देखिए फाइल पे क्लिक करना है, आपको इन्फो पे जाना है, और यहाँ पे उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा था, यहाँ पे आपको वर्कबुक दिख रहा है एक्सेल में। अगर आप पावर पॉइंट में करेंगे तो वहां पे आपको प्रेजेंटेशन दिखेगा। बाकी आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।